हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है फ्रेंड्स। आप वीडियो में जरूर लास्ट तक रहे। जितने भी बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, क्या खुशखबरी है, वीडियो में जरूर लास्ट तक रहे। जो भी चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये चीज़ें जो दी गई है फ्रेंड्स, इसकी पूरी डिटेल से बात करेंगे। और सबके सबसे बड़ी जो इसमें खुशखबरी है फ्रेंड, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो क्या है। यहाँ सब देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, ये वित्त विभाग से आया हुआ है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, कल या कल जो है फ्रेंड्स, कैबिनेट का बैठक था। और फ्रेंड्स, इस बैठक में जो है क्या निर्णय लिया गया है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो कि जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/24 के तहत, या देख सकते फ्रेंड्स दिनांक 1/7/24 के प्रभाव से फ्रेंड्स, देख सकते हैं 50% के स्थान पर 53% महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति के संबंध में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो है पहले 50% मिलता था फ्रेंड्स महंगाई भत्ता, जो डीए थे, अब वो 53% कर दिए गए हैं। तो महंगाई भत्ता फ्रेंड्स बढ़ चुका है, अब इससे जो है वेतन में भी बढ़ोतरी होती है फ्रेंड्स। ये चीज़ों को देख सकते हैं आप, यहाँ से इसको स्वीकृत कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, कितनी बड़ी खुशखबरी है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जितने भी बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं, सभी के लिए अच्छी खबर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।